हेलो फ्रेंड, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप 30 इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो है देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीव विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न है, अधिकांश प्रश्न जो है ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि SSC, PCS, खासकर BPSC, UPSC आदि अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जरूरी होता है। और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि समय समय पर जो है वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। और सभी से आग्रह है कि लाइक का बटन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक जो है इसे पहुंचाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानवों में यानी कि मानव में लिंग का निर्धारण किससे होता है? विटामिन द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा या पोषक तत्वों द्वारा? उत्तर है गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 80% से अधिक कोशिका में यानी सेल्स में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? चार ऑप्शन है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि कोशिका में सबसे अधिक यानी 80% से अधिक जो है वो सेल्स में, हमारे सेल्स में रहता है, जो कि पूरा शरीर जो है सेल से ही बना हुआ है? उत्तर है जल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से और स्थिर से अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको ये इसी समय याद हो जाए, तो बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी में नहीं, थोड़ा सा आराम से, ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए 3 है कि किसकी कोशिका, ठीक है, किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो उत्तर है माइक्रो प्लाज्मा। तो माइक्रो प्लाज्मा की कोशिका जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है कि सबसे बड़ी सोमेटिक क्रोमोसोम संख्या है 1262, किसमें दर्ज की गई है? उत्तर है फर्न प्लांट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्लोनिंग पद से कौन संबंधित है? उत्तर है यानी क्लोनिंग से संबंधित कौन सा जो है, उत्तर है जनन विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है ग्रेगर मेंडल। अब देखिए दोस्तों, डार्विन डार्विन ने जो जैव विकास के संबंध में जो है ये सिद्धांत इन्होंने दिया है। चार्ल्स डार्विन का जो समय 1809 से 1882 है। उसके बाद देखिए लैमार्क हैं, जो लैमार्क का सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न में से किस कशेरुकी में जो है बहिर्कंकाल नहीं होता है? यहाँ नहीं होता है पूछा जा रहा है, और उत्तर है इसका कॉन्ड्रिक्थिस, जिसमें बहिर्कंकाल नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, जिसको अंग्रेजी में CDFD शॉर्ट में कहते हैं। अब देखिए इस कहाँ अवस्थित है, ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है, और ये है हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर में, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में जो है प्रमुख भूमिका निभाता है? उत्तर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम्स। नेक्स्ट प्रश्न है, हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण जो है वो है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया जो है हैजा का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो दोस्तों जीवाणु, विषाणु, फफूंद, शैवाल से जो बहुत सारी जो है बीमारियां होती हैं, उसके बारे में भी वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है किसमें? तो देखिए आहार नली की एक्सरे के लिए। तो इसमें होता क्या है कि बहुत गाढ़ा सा पदार्थ होता है, और उसे जो पेशेंट को पिला देने के बाद जो है वो जहाँ जहाँ पदार्थ जाता है उसके बाद जो है एक्सरे जब होता है तो उससे पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या ब्लॉकेज है, नहीं है। ज़्यादातर ब्लॉकेज के बारे में जो है पता करने के लिए ही बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है एक्सरे करने में। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है
रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है, यानी कि रक्त के आदान प्रदान से है यहाँ पर कौन सा रोग, और उत्तर है टाइफाइड। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर में कि एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है। तो रेबीज से तो आप समझते ही हैं, वही बहुत सामान्य सा प्रश्न है, और उत्तर है जब कुत्ता काटता है तब उसके बाद एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। रेबीज लेकिन लोग बोलते हैं रेबीज का टीका, लेकिन एक्चुअली ये एंटी रेबीज होता है, तो एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है। तो देखिए इसमें जो है हीमोफीलिया रोग में रक्त नहीं जमता है, ठीक है, तो दो से काफ़ी देर, जैसे सामान्य आदमी जिसको हीमोफीलिया नहीं होता उसका ब्लड जो है 10 मिनट के अंदर जो है रुक जाता है, लेकिन ऐसे मरीज में जो 24-24 घंटे तक जो है ब्लड का थक्का नहीं बनता है, जिसके वजह से जो है वो उसके जान खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 15 है कि निम्न लिखित में से विटामिन कौन सा है, ठीक है, और आंसर है इसका फॉलिक, फॉलिक अम्ल जो है विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 की मानव शरीर में बसा जमा होता है, ये होती है कहाँ, तो इसका आंसर है बसा जो है ऊतक में, ठीक है, ऊतक में जमी होती है, यानी टिश्यूज में जो है बसा होती है जमा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 कि निम्न में से कौन सी जो है छूत की बीमारी जो है नहीं है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, स्टीरिया है, टाइफाइड है, चेचक है, इसमें कौन सा जो कि छूत की बीमारी नहीं है, और उत्तर है ये हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक मानसिक रोग है और इसीलिए जो ये छूत की बीमारी नहीं है, जबकि इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, चेचक ये सारे जो फैल जाते हैं, ठीक है, वायरस जनित है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है। देखिए दोस्तों इन्फ्लुएंजा जो है वो मिक्सो वायरस के कारण ये होता है, जबकि जो अगर चेचक की बात की जाए तो ये वेरियोला वायरस इसका इस विषाणु का नाम है जिसके कारण जो होता है ये बीमारी। अब देखिए ये टाइफाइड है, टाइफाइड जो कि जीवाणु के द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है इसका, और ये आप आँख को प्रभावित करता है, और इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन जो है दूध में पाई जाती है। उत्तर है केसीन। दोस्तों ये केसीन जो है एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आपके दूध का जो उजला है, जो सफ़ेद का है, वो इस केसीन के वजह से, यानी कि प्रोटीन के वजह से जो है दूध जो है उजला दिखता है। प्रश्न नंबर आते हैं 19 नंबर पे कि पीलिया में दुष्प्रभावित होता है क्या, और उसका उत्तर है देखिए यकृत जो होता है पीलिया, यानी कि पीलिया रोग में जो है यकृत जो है प्रभावित होता है। पीलिया का दूसरा नाम हेपेटाइटिस भी है, और यह एक विषाणु जनित जो है रोग है पीलिया, ठीक है, और जो प्रभावित होने वाला अंग है वो यकृत ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है कि पानी से होने वाला रोग निम्नांकित में से कौन सा है, तो कौन सा ऐसा रोग है जो कि पानी से होता है, मलेरिया, टीवी, प्लेग या टाइफाइड, और उत्तर है टाइफाइड जो है ये पानी से होने वाला रोग है। टाइफाइड में जो है तेज बुखार, सिर दर्द होता है, और ये आंत को प्रभावित करता है, जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए यहाँ पर, और मैं आपको बता दूँ कि जबकि मलेरिया है, टीबी है, प्लेग है, तो प्लेग भी वायरस जनित ही है, और इसमें जो है इसका जो जीवाणु है, जीवाणु का नाम है जो जिसके वजह से प्लेग होता है पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है, और ये फेफड़ा और खराब के दोनों पैरों के बीच में जो है ये प्लेग फैल जाता है, ठीक है, तो ये जीवाणु जनित है प्लेग भी, अब पास्चुरेला पेस्टिस इसका जो है जीवाणु का नाम है प्लेग। अब देखिए यहाँ पर टीबी है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को जो क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है, और इस प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा, ठीक है, और इसके जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद मलेरिया है, मलेरिया जो रोग है ये प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी द्वारा होने वाला रोग है मलेरिया, और इसमें प्रभावित अंग होता है
तिल्ली एवं आरबीसी, ठीक है। और परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। अब वाहक मच्छर होता है जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, तो इसका वाहक होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि नवजात शिशुओं में, यानी कि जो बच्चा जिसका जन्म तुरंत हुआ है, ठीक है, उसे ही नवजात बच्चा कहते हैं। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कितना हड्डियाँ होती हैं। बहुत कोमल बच्चा होता है, ठीक है, और इस जन्म के समय जो इसकी हड्डियों की संख्या होती है वो है 300, ठीक है, 300 हड्डियां होती है। हालांकि जब वयस्क वयस्क आदमी हो जाता है तो उसको उसकी हड्डियां 206 हो जाती है। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 22 है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। दोस्तों मनुष्य का जो सिर होता है, ठीक है, उस सिर में जो है टोटल 29 हड्डियां होती हैं, और उस हड्डियों में जो है कपाल जो है 8 होता है। इसके अलावा फेसियल फेस का जो है 14 होता है, कान का 6 होता है, एक और हड्डी होता है, छोटी सी हड्डी होती है, ठीक है। तो टोटल 29 हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ये ए हो जाएगा। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 23 है कि हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग जो हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है, हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। और उत्तर है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 24 है कि मानव, ठीक है, यानी कि हम जो हैं, हम लोग जो हैं, 1 मिनट में, 60 सेकंड में कितने बार सांस लेते हैं। इसको बहुत सारे लोगों ने गिना भी नहीं होगा कि 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है, आप इसे समझ सकते हैं। तो खैर आप, मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 16 से 18 बार जो है सांस लेते हैं 1 मिनट में हम लोग। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 25 है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है ब्लड बैंक जिसे कहते हैं तो आप जानते हैं जहाँ ब्लड रखा जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है उसके अनुसार बताना है। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा ये स्प्लीन। स्प्लीन जो है इसे ही ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी कि मानव शरीर का ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन को हिंदी में जो है प्लीहा कहा जाता है। एक और दूसरी बात कि जो ब्लड होता है, यहाँ देखिए कुछ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए रक्त तो जो है एक आरबीसी होता है और एक डब्ल्यूबीसी होता है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पलस, ठीक है, दूसरा कि वाइट ब्लड कॉर्पलस। तो देखिए यहाँ आरबीसी जो है, आरबीसी का जो अगर कब्रगाह की बात कीजिएगा, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो वो जो है स्प्लीन को ही कहा जाता है या यकृत को भी। तो खैर वो दूसरी बात है, यहाँ पर जो बात था। अब देखिए दोस्तों एक बात और आप याद रखेंगे कि जो मानव शरीर में रक्त की मात्रा है शरीर के भार का जो है 7% होता है, ठीक है, और इसका पीएच मान 7.4 ही होता है, ठीक है। 7% जो होता है शरीर के जो भार है उसका 7% होता है ब्लड, और इसका पीएच मान भी जो है 7.4% होता है। ये रक्त जो है क्षारीय होता है, और एक व्यस्त मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जबकि महिलाओं में वही पुरुषों की अपेक्षा जो है आधा लीटर जो है रक्त कम होता है, ठीक है। तो ये कुछ खास और महत्वपूर्ण बात था रक्त से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ ब्लड बैंक की बात हो रही थी। तो अब देखिए दोस्तों खैर कुछ और है उसके बारे में आगे बात, यहाँ जान लीजिए कि जो आरबीसी उसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जो है जीवन काल होता है मात्र बहुत ही कम 2 से 4 दिन का होता है। तो ये कुछ काम है तो इसकी, और ये 2 से 4 दिन में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है चलिए डब्ल्यूबीसी का, और इसका मुख्य कार्य जो है शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना, यानी कि जो शरीर में कोई रोग लगता है उससे लड़ने का काम जो है ये डब्ल्यूबीसी ही करता है। कुछ ये था कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बात। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 26 है कि मानवों में आहार नाल के कौन से भाग से जो है प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। यहाँ प्रोटीन के पाचन से रिलेटेड है, और आंसर जो है वो हो जाएगा आपका आमाशय, ठीक है। आमाशय में ये होता है प्रोटीन का जो है, जाहिर सी बात है आप जानते हो कि मुख से ही कोई भी खाना खाते हैं तो मुख से ही जो है पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है, लेकिन यहाँ प्रोटीन का जो है पाचन कहाँ से आरंभ होता है ये बात है। देखिए आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है, ठीक है, और यहाँ से जो है प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। देखिए भोजन के आमाशय में पहुँचने पर जो है पाइलोरिक ग्रंथियों से जो जठर रस, ठीक है, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और यह पीला पीला रंग का अम्लीय द्रव होता है। आमाशय के
ऑक्सीटिंग कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl निकलता है, जो कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणु यानी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को जो है अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। अमाशय में जो है निकलने वाले जठर रस में जो है एंजाइम होते हैं, वो है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थ पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है, जबकि रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन यानी कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदलता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया साफ साफ कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को खंडित करता है, तो जाहिर सी बात है ये अमाशय में ये क्रिया होती है, इसलिए बहुत अच्छे से समझें इसको। दोबारा एक बार इसे आप पॉज करके फिर से बैक करके सुन सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है देखिए इसी से रिलेटेड, यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको दूध जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है दूध को, तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको जस्ट कि रेनिन, ठीक है। तो ये रेनिन जो होता है ये अमाशय में ही आता है। तो देखिए रेनिन जो है दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है, यही मेन काम है। जबकि पेप्सिन जो है पेप्सिन प्रोटीन को खंडित करता है और खंडित कर सरल पदार्थ पेप्टोन्स में जो है बदल देता है। प्रश्न नंबर आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग है यानी कि ब्लड ग्रुप कौन सा है जो कि सर्वग्राही है। उत्तर है ब्लड ग्रुप AB वाले यानी कि जिसका ग्रुप AB है उन्हें जो है सर्वग्राहता या सर्वग्राही कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल रिसिपिटर कहते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। जबकि ओ जो ओ ग्रुप वाले होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, इन्हें सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, यही खास और महत्वपूर्ण बात था दोनों के बारे में। बाकी चार ब्लड ग्रुप होते हैं AB, O, B और A, इसी से जो मिलकर जो है दोनों की जो संभावनाएं अलग अलग संभावनाएं, तो माता पिता के रक्त का ग्रुप और बच्चों का रक्त ग्रुप कैसे जो है परिवर्तित होता है ये अलग ही बात है। जैसे कि हम एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, जैसे कि ओ और अगर ओ ब्लड ग्रुप की माता रहती है, ओ ब्लड ग्रुप के पिता रहते हैं, तो उनसे होने वाला बच्चा जो है हमेशा बच्चों में मतलब ओ ही ग्रुप का होगा, वो AB या AB नहीं होगा। उसी तरह अगर ओ ब्लड ग्रुप की अगर माता है और ठीक है और पिता है या माता पिता में कोई भी जो है ओ ए हो, तो होने वाला बच्चा चाहे ओ और ए ही होगा, B और AB कभी नहीं होगा। तो इसी तरह कुछ संभावनाएं हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 29 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन का नियंत्रण करता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग सांस लेते रहते हैं, इसका जो एक दिमाग हमारे दिमाग में एक ऐसा ठीक है अंग है जो कि श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक है कभी कभी हम लोग तेज सांस लेते हैं, कभी कभी स्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया बहुत ही जटिल क्रिया है और इस कौन सा ऐसा भाग है जो नियंत्रण करता है कंट्रोल करता है, और उत्तर है प्रमस्तिकीय प्रांतस्था। ठीक है यही है ऑप्शन जैसे था एज इट इज मैंने इसे दिया है। प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। मानव त्वचा का रंग जो है बनता है किससे, हीमोग्लोबिन इंसुलिन एड्रीनेलिन या मेलानिन। उत्तर है मेलानिन। तो मेलानिन से जो है मानव त्वचा का रंग बनता है। तो दोस्तों ये था कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए 30 प्रश्न, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, चाहे परीक्षा कोई भी हो, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो सभी को पसंद है तो प्लीज़ सभी लोग से आग्रह है कि शेयर कीजिए इसे, लाइक का बटन भी दबाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन आपकी इच्छा पर है, अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिलेगा और साइंस से रिलेटेड वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।